अच्छा साथियों, जो भी रहा मैं गाने जा रहा हूं। ब्रे का शीर्षक है नागपुर कांड, पति हो तो ऐसा। छालन भूमिका के अंदर भाव कवि जी लिखत हुन। मौत से भी बड़ी मौत है बेवफाई, जहां मैं किसी से न धोखा कमाना। शोहरत या दौलत से ऊंचा है जीवन, कभी धन के आगे न खुद को झुकाना। लाख कांटों से राहें भरी हो भले, फर्ज अपना समझ करके तू दिल से लगाना। गर्व से उसकी गाथा को लिखते सियाराम। मर्द है वही जो बदल दे जमाना। लिखत है उन कबीर जी, लाख कांटों से राहें भरी हो भले, फर्ज अपना समझ कर तू दिल से लगाना। गर्व से ऐसी गाथा को लिखते सियाराम, मर्द है वहीं दो बजद ले जमाना। एक लाइन गजल का अंदाज है मास्टर। अरे जिंदगी की राह में, ये भैया जिंदगी की राह में रंज गम के मेले हैं। गजल का अंदाज है, भाव में कवि जी लिखत हुवन। कैसन दुनिया है, कैसन दुनिया का लोग हुवन। कैसे मास्टर? कैसी ये दुनिया है, कैसी ये दुनिया है, कैसा जमाना है। कभी जी भाव शहर के अंदर लिख लू कहानी बाय कहां कह।
क्रांति क्रांति नगर है बस्ती एक नागपुर की, क्रांति नगर है बस्ती एक नागपुर की, घटना वहीं की सुनिए एक बेकसूर की। सचिन उसका नाम था वह फल का विक्रेता, सचिन उसका नाम था वह फल का विक्रेता, शिशु अबोध गोद में पत्नी है सुनीता। धंधा के साथ साथ नौकरी तलाश में, धंधा के साथ साथ नौकरी तलाश में, पढ़ता था भी एक पास जो कि फर्स्ट क्लास में। पड़ोसी है मलता उसके घर पे थी आई, पड़ोसी है मलता उनके घर पे है आई, सुंदर सलोना हार पहनी थी वो लुगाई। साथियों विरह का कहानी समझ लें, नागपुर एक बस्ती है, उसी जगह की ये घटना है। बाबा सचिन नाम का एक व्यक्ति जिसके पास एक बेटा है और एक दुल्हन है, पढ़ाई करता था, साथ में धंधा का कारोबार भी अपना चलाता था। ए भैया एक दिन का बात है, सचिन के घरे एक ठे मेहरारू आ गई बड़ा बढ़िया हार पहन के। अब जब ई सचिन के दुल्हन देखलिन उ सुंदर हार, तो अपने सैया जी के बुलाए के एक ठे बात कहलिन। का कहलिन विराह में तर्ज बदल गई मास्टर, मेहरारू के बड़ी गर्मी सतावत रहल, गुलाब भाई कोनो मेहरारू के बड़ी गर्मी सतावत है, तहु दुल्हन यही शंभू मती रहल, रतिया का सपना देखा तू कहते का कालास। आइली गरमिया के आइल गरमिया के दीनाए पिया, दीनाए पिया बेनिया डोला दा। सुंदर सलोना हार देख के सचिन का दुल्हन सचिन से कहली, का कहली ले भैया, कहली सजनवा से नार हो, कहली सजनवा से नार हो, बार बार हो एगो हार लिया था। तो से ना मंगली एक थे लड़का भी पैदा हो गल, एक थे ही हमार मांग पूरा कैदा। का कहली जिंदगी में पहली बेरी मान जा कहनावा, अरे जाके नागपुर से गढ़ाई दा कहनावा,
मनवा लगा लबा हमारा हो बार बार हो एगो हार लिया दा स्वामी बड़ा ए हार पर हमार मन लग गल के लिया दा कौनो भी उपाय करा हाँ हाँ तू हमके हार लिया दा बार मरद समझावत हुआ सचिन अपने दुल्हन के कि सुना पैसा का तनी कमजोरी बा स्थिति खराब बा अब ही रुका बाद में लिया दे अगर तो के गहना का शौक हा तो एक थे हमार बात सुन ला बड़ी ऊंची बात अपने दुल्हन को ससीन समझावत विरास शैली में भाव लगल मास्टर बाबा यह सचिन अपने दुल्हन के समझावत हुवन का समझावत हुवन कि अरे मोरे राम यह कला की सजनवा सजनवा तन के होले गहना सिंदूर बिना सोहे ना अंगूठी हार कंगनवा रे कंगनवा रे कंगनवा सिंदूर बिना सोहे ना अंगूठी हार कंगनवा सजनवा तन के होले गहना कली की नाही जिद कैली हमके चाही तो चाही सचिन डांटत हूँ अपने दुल्हन के का कहलन केरे डांट दिया जब सचिन बेचारा डांट दिया जब सचिन बेचारा मन ही मन में करे विचार किसी तरह से गहना हमको करवाना है तैयार ए भैया आए दिनवा रात के बोझा धोता था बन पल्लेदार दुल्हन जब जिद कैलश दिन में पढ़ाई करता था वह जवान गहना हार गढ़ावे बदे रात में जाके पल्लोदारी के काम करे लगे पैसा तो जुटा लेलन हार भर लेकिन बीमार हो गयलन जब बीमार हो गयलन तो कभी तर्ज लिखत हुआ नहीं हाँ कौनो दुल्हन अपने सैया जी से एक ठे सामान मांग ले लील का मांग लील मास्टर ये मांग लील कि बाजारे जात हुआ तो एक ठे सामान लेता कौन सामान मांग लील गुरही जलेबिया बिकाय पिया मेलावा में जलेबिया बिकाय पिया मेलावा में गुरही जलेबिया बिकाय पिया मेलावा में अरे ले ले यहा ले ले यहा गरम छना तो होई तेलावा छना तो होई तेलावा में गुरही जलेबिया जब सचिन का तबियत खराब है तब तो भाव कभी जी लिखत हुवन पड़ल बीमार हो बुखार आयल रतिया में बीमार हो बुखार आयल रतिया में बीमार हो बुखार आयल रतिया में सुनीता से कहल बिखार सुना पतिया सुनीता से कहल बिखार सुना पतिया के पड़ल बीमार हो बुखार आयल रतिया में बीमार
कहलन दुल्हन हालत हमार बड़ी खराब बा, जल्दी लेके चला हॉस्पिटल बगलिए में बा, अगर लेके ना चलत हो तो बहुत हमार हालत खराब बा। का कहलन जल्दी लेके चला बुरा हो तमोरा हाल बा। बगल पड़ोसिया के नाम अस्पताल बा, बगल पड़ोसिया के नाम अस्पताल बा, बगल पड़ोसिया के नाम अस्पताल बा। उठा के जब ले गई हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप कैलन, आ जब चेकअप कैलन तो डॉक्टर का बतौलन, डॉक्टर कहल परेशान होई छतिया, परेशान होई छतिया के पड़ल बीमार हो बुखार आया रतिया के, बीमार हो बुखार आया रतिया में, पड़ल बीमार हो बुखार आया रतिया में। डॉक्टर साहब कहलन कि छाती का ऑपरेशन हुई तभी ठिका सकेलन, कहलन कि जवन उचित हो बाबू तवन करा, लेकिन ऑपरेशन भेल, ऑपरेशन के बाद 8 दिन के बाद छुट्टी लेके अइला घर धीरे धीरे हालत में होता वासुधारा, दिली पया धीरतिया में भैले बुखार हो बीमार भैया रतिया में, बीमार हो बुखार धीरतिया में, भैले बुखार हो बीमार भैया रतिया में। 8 दिन के बाद जब छुट्टी लेके सचिन घरे अइलन, धीरे धीरे तबीयत ठीक होय शुरू भइल, संगी साथी सुनलन कि भाई सचिन के तबियत खराब रहले, वही बीच में खे उनकर संगी रहलन दिलीप, गैलन देखे बदे, और जब देखे बदे गैलन तब का भैल बिरा में तर्ज बदल गईल, बिरा में वह दर्ज कवि जी लिखले हमन सारा गोदावा लाहो गोदाना, तरज है बाप, लेकिन जब दिलीप देखे बदे गैलन तो दिलीप का दुल्हन का सोचे लगलिन, यह दुनिया है, यह जमाना है भैया, बतौली का बतौली की सोच लालची हो गुजारिया, ये दुनिया ये जमाने में साथियों कोई के कोई ना है, ये हालात के देखते हुए कवि जी लिखलन बाबा, घायल सजनवा का कवन बा ठिकानावा, घायल सजनवा का कवन बा ठिकानावा, कैसे कचली घर द्वार, अरे लाल को छुपा के भागी आधी रतिया में, लाल को छुपा के भागी आधी रतिया में, साथ में दिलीप दिलदार हो गुजरिया, सोचला
यही जो गड़बड़ हो गए भैया, सचिन के सगी दुल्हन जो सिंदूर पहना करके लिवाया था, सोचलस की एनकर कवन ठीक है, बचने ना बचने ही तो बड़ा बढ़िया बा, एनकर मित्र तो बड़ा बढ़िया बा, अपने पति के चोरी से रात में लड़का के लहलील दिलीप के साथ फरार हो गई लीन। आज जब फरार हो गई लीन, तब का भाव कवि जी लिखत हुआ, जब दुल्हन घर छोड़ के चल गई तो सचिन सोचत बा, अपने मनवा में सोचत कि बारे दुनिया बारे पैसा, हर घाला सचिन कर मन में गुनवा, भैया घाला सचिन कर मन में गुनवा, दुनिया ही पैसा का बा, हाय हाय दुनिया ही पैसा का बा। कौने मेहनत से खवन ऐसन काम करी कि हम पैसा वाला बन जाई, बतौली की बीए पास था फर्स्ट क्लास, लेकिन धंधा के साथ नौकरी के भी तलाश रहल दिलीप के बारे मालिक, कड़ी से कड़ी गरीबन का परीक्षा लेला मालिक तू, भैल का ए भैया, घायल सचिन कर मन में गुना नवा, अरे दुनिया ही पैसा का बा, अरे पैसा कमाई हो पहाड़े चढ़ी जाली, पैसा कमाई हो पहाड़े चढ़ी जाली, मेहनत से बना थानेदार हो गुजरिया, सोचला लच्छी हो गुजरिया, पैसा कमाई हो पहाड़े चढ़ी जाली, मेहनत से बना थानेदार, यहर दुल्हन तो प्रेमिका के साथ फरार हो गई भैया प्रेमी के लेके, और सचिन मेहनत किया था पढ़ाई में, थानेदार बन गया, इधर ही थानेदार जब बन गया ओहर सुनीता के लेके दिलीप कहां पहुंचल, लिखत हुन कवि जी भाव कैसे, दिलीप सुनीता को साथ है ले, अरे दिलीप सुनीता को साथ है ले, जब नासिक शहर में आया है, खोला राज का पर्दा अपने, तब साफ साफ बतलाया है, सुनीता सुन ले मेरी बात, हमार धंधा का हो हमार काम का हो, सीधी सादी लड़की को, सीधी साधी लड़की को मैं कोठे पर पहुंचाता हूँ, यही काम है सुन ले सुनीता, बढ़िया मनी कमाता हूँ, तोहरी जैसन लड़कीन के बहका के लिया के हम कोठा पर ले जाके बेचीला और बढ़िया पैसा कमाईला। ए भैया अब सुनीतवा घबराए लगल, ई कहां हम फंस गईली, समय बीतत गई, और जब समय बीतत गई तो भाव कवि जी लिखल बिरहा में तर्ज बदल गई, समय बीतत गई ले भैया, समय के तना बीतल की एका एका दीना में बीताला, साता सालिया बीताला, सुनीता हो गईली तबला चारना हो रहा, सुनीता हो गईली तबला चारना हो रहा, हो रहा सुनीता हो गईली तबला चारना हो रहा, सात साल का दिन बीत गल बाबूजी लोग, धीरे धीरे उही नासिक शहर में
सात साल के भयल का सात साल के बाद कि आया है दिली पापी के राता की समाई आया रे राता की समाई आया रे राता की समाई आया है दिली पापी के राता की समाई आया रे राता की समाई आया रे मार लगल खींच सात साल का दिन बीत गल बाबूजी लोग आए हैं। एक दिन रात में वह दिलीप दारू पीकर खे आया, जो बच्चा था उसको खींच करके मारने लगा। और जब मारे लगल तो ममता मतारी के कहली स्वामी मारा, कहली सुनीता स्वामी छोड़ी ताला लगावा छोड़ी। कैले का बा गलती तोहारन ये राम, हमरे स्वामी का निशानी एक ठेबा हमरे जिए के आधार बा स्वामी, छोटे बुड़क लड़का तोहर कौन गलती कह दलस कि तू एक मारत हुआ। दिलीप बतावत हो का बतौले सुनीता से कि बोला है शराबी साला बाधा हमारी के बीचा बाधा। कर दा खाता माता ता काला ना ए राम, कलन की असली काटा तो यह है एक के आज हम मुआइब छोड़ब ना बार इमतारी। लोग कहलन औलाद का दर्द फौलाद से ज्यादा होले, ममता जगल अपने बैठवा के मतारी का कहले के अरे व्याकुला मतारी ममता जागला वो ही घारी आया रे जागला वही घारी आया। अब व्याकुला मतारी ममता जागला वो ही घारी आया रे जागला वो ही घारी आ कैली वो जो उन्हें हथवा में दारू पी के आ लू बोतलवा लहले आल दिलीप देखलिन की बगल में गिरल बाप मारत बाई लड़का छटपटात बाप उठा के वह बोतल तार देना चला दिलीन दिलीप के ऊपर। आ जब दिलीप के ऊपर चलू तो जा के शीशा फट गए। आ जब फटल तो दिलीप का मौत हो गई। आ जब मौत भइल तो भइल का कि अरे नासिका स्टेशन आवा पर पुलिस के हवाले आईली पुलिस के हवाले आईले। ए भैया नासिका स्टेशन आवा पर पुलिस के हवाले आईले पुलिस के हवाले आईले। ताया गवा का सुनाई जा जब दिलीप खत्म हो गए तो नासिक स्टेशन पर पुलिस के पास पहुंच के जाके अपन सारी बात लगलिन बतावे। दरोगा साहब कहलन सुनीता से मारी हो तुम गुनहगार को फिर भी दोष तुम्हारा है, उम्र कैद की सजा तुम्हारी सुन लो न्याय हमारा है। तू गुनहगार हो तो के उम्र कैद के सजा दियाई। सुन के जब इतनी बात उ लड़का सुन लेस
आंख में आंसू आ गल। आ जब आंख में आंसू आ गल तो बिरहा में तर्ज मास्टर एक और आ गई। कौन तर्ज है और? कि अरे रोई मर बो राजा, रोई मर बो राजा, जय बाजा बपुर के जी है हो। विरह में भाव कवि जी कितना सुंदर लिखले हूँ। वो लड़का के आंख में आंसू बा, अपने माई के लगे गेल रो के यह एक ठे बात कहलस। का कहलस मास्टर? अरे रोवे लगल हो जाई, अरे रोवे लगल हो जाई, आ माई के समनवा हम तो जब भगलू घरे से तो छोटे बुढ़ कर रही, लेकिन जानत रही कि बाबू के छोड़ के तू जात दूसरे के साथ है। का कहली लड़का कहत बा? का कहत की बाबू बेका सूरा हुन करा आ दुनिया उजारा। तू तो जेल में जेबू, हम बेसहारा, न बाबू न माई, अब हम कौने डारी लगब। ये लड़का सवाल करा था अपने मतारी से। का सवाल करा था? तू तो जेबू जेल है लोग है जो इतना जने यहाँ स्टेशनवा पर, इहो लोग अपने अपने घरे जइहन, तू जेल में जइबू, हम का करब हे माई। उ लड़का बतावत बा, का बतावत हा? तू त जइबू जेल हई लोग जइहा अपने घर। पूरा पुलिस के जवानन के आंखी में आंसू है भैया। ओ लड़का का बात सुन के हर लोगन के आंख में आंसू बा, लेकिन ए बतिया के एक जाने बर्दाश्त ना कर सकलन। उ के ना बर्दाश्त सकलन? पापट के अंदर भाव हो। ए भैया सुन के जबो तहिया सुन के अबोत, अरे बालक का रुदनवा ममता जागल बा, अरे सचिन दरोगा बोल पड़े तही छनवा ममता जागल।
लड़िका का रुआई सुन के उकरे आंख में आंसू देख के सचिन दरोगा ना बर्दाश्त कर सकलन। ए भैया पुलिस के जवानन से एक ठे बात कहलन। का कहलन? कि अरे कोई नहीं दुनिया में मेरा, अरे कोई नहीं आ दुनिया में मेरा, यही मेरी मजबूरी है। दस्तक ला लई हमके देदा, कहल हथवा जोरी हो, कहल पढ़ा लिखा के करब खूब जतनवा, ममता जागल बा लाल लिया के अइले अपने थनावा, ममता जागल बा। कहलन की हे लड़िकवा जौन अनाथ है, इ रोवत है कि हमके दे दा लोग, हम बिना औलाद कही एकर पालन पोषण करब, पढ़ाई लिखाई भला आदमी बना देवे के। लेकिन भाव कवि जी आल्हा के अंदर लिखलन, बारे नारी और बारे जमाना। बाह बारे देश बारे दुनिया और बारे अपकर नारी। लिखत हुवन कवि जी, एक ठे नारी पहले कर रहलिन और एक ठे नारी आज कहिन। कवि जी भाव लिखत हुवन आल्हा के अंदर कैसे मास्टर? अरे जौने आदेशवा का सती सीताया ना सुइया भैया, वही सचिन दरोगा लिवा गया, उस बच्चे का नाम लिखवा दिया स्कूल में। लड़का पढ़े लगल बाबा, समय बीतत गई। समय कितना बीतल है भैया, कितना समय बीतल? धीरे धीरे बीतल 100 साल का समय लड़का जब 10वीं क्लास पास कैले, तो जितना रहलन सचिन दरोगा के संगी साथी सब बहुत खुश भइलन, दरोगा साहब भी खुश भइलन।
तैन से सदर कालाक लाइन लगिले मास्टर अरे खुश भैदरो का खुशी थाने का सिपहिया भैया खुश भैदरो का खुशी थाने का सिपहिया अरे लेकिन उ लाला नवारो वाला रसुगा भैया पूछा लाला रोगा कहे रो वाला सुगा जब 10 पास कैले सु लड़का दरोगा साहब बहुत खुश भइलन थाने के सिपाही सब खुश भइलन लेकिन लड़का के आंख में आंसू बा दरोगा साहब लगने पूछे कि बेटा बेटा सब खुशी मनावत है तोरे आंख में कहे आंसू बा लड़का कलश की बाबू जवन हम मांगन मांगब तौन दे देबा का खलक की बेटा ये अगर जान मांग लेबा तोरे बदे जान हाजिर है अगर जान मांग लेबा तब वो ही जान हम दे दे लेकिन वो लड़का धीरे धीरे जब 17-18 साल को हो चुकल हल आओ इधर खला बाबू तब हमारा अगर हमके उपहार जीतले को उपहार देवे के अगर हुआ तो हमरे साथे आप जीप में बैठा आ हमरे साथे चला स्वयं लड़का जीप चलावत है दरोगा साहब बगल में बैठल हुन लिवा के चलल बिरहा के आखरी भाव लगल मास्टर जब पढ़ावा लिखावा लगन तब्बे जानगल के असली पापा हमारी यह सचिन दरोगा हुन लेकिन पोल छुपौले रह गल जब 10 पास कैले जब खुश भइले दरोगा साहब उपहार में कलश की बाबू हमरे पास का जब कुछ देवे को हो इनाम यह दे दा हमरे साथे चल के स्वयं लड़का जीप चलावत पहुंचल कहां जेल में जहां सुनीता जेल में सजा काटत रहल जाए के अपने माई के लगे एक ठे बात कहलस का कहलस पहले पापा के साथे अधोखवा कमाइलू अरे दूसरे के मार के जे हालिया में आई बाबूजी के दुनिया उजाड़ देलू दूसरे के मोह माया में पड़ के उनके साथे चल गेलू इतनी सजा भुग देलू लेकिन अब इनके साथे कौनो धोखा मत करया लड़का कहत बा हर्षित हो दरोगा ए भैया हर्षित हो दरोगा तब भेदवा बतावला अरे हाथ असली
पोल जब खुलल तब भाव कबीर जी लिखलन का लिखलन, अरे बसली फिर से दुनिया ए भैया बसली फिर से दुनिया आज कर गईली उजारी लड़का चलावे मोटरिया जल जेल की वो बतौली की विराह का शीर्षक रहल पति हो तो ऐसा, सारी कहानी सारी बात भुला के माफ करके आज सुनीता के लेके नासिक शहर में जिंदगी गुजारत हुन। विराह का कहानी जैसे माफ भइल कैसे तो गुरु बिहारी आ गुरु रमने फिर फूला फूला गुलशन में